हेलो फ्रेंड्स, कंपनी लॉ के अंदर आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कंपनी। तो हम देखेंगे कौन कौन से बेसिस पे कितने टाइप मैंने डिवाइड कर रखे कंपनी को, कितने टाइप्स में मैंने बांट रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपनी। ओके, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हो गया, इसमें कितने टाइप की कंपनी हो गई। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया और अदर कंपनीज। इन बेसिस के ऊपर मैं बताऊंगा कि इनके अंदर कितने टाइप की होती है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में कितने टाइप की कंपनी होगी। ओके फ्रेंड, तो इन बेसिस के ऊपर सबसे पहले देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सबसे पहले कौन सा देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसको कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के अंदर। ओके, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के अंदर इसको डिफाइन किया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 के अंदर इसको क्या किया? डिफाइन किया। ओके फ्रेंड, थर्ड आता है अनलिमिटेड कंपनी को कहां डिफाइन किया फ्रेंड्स? सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में कंपनी को कितने टाइप में डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में मैंने रखा है। तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर के अंदर ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। अब वन पर्सन कंपनी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर। किसमें डिफाइन किया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर। फिर आता पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर। फिर आ प्राइवेट कंपनी को कहां डिफाइन किया है फ्रेंड्स? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर। ओपीसी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी किसमें देखा था? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर के अंदर। ओपीसी को किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर, पब्लिक को किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर और प्राइवेट कंपनी को किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर। ओके, लिस्टिंग ऑफ शेयर में कितने टाइप की कंपनी है, कितने पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है? दो पार्ट्स में, एक होता है लिस्टेड कंपनी और दूसरा होता है अनलिस्टेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर में लिस्टेड कंपनी को डिफाइन किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अंदर और अनलिस्टेड कंपनी, ये दो टाइप की होती है कंपनी किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ओके, कंट्रोल के बेसिस पे कितने टाइप की कंपनीज होती है? सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के अंदर होल्डिंग कंपनी। कौन सा? होल्डिंग कंपनी। इन सब का हम डिस्क्रिप्शन बाद में देखेंगे, पहले मैं बता देता हूं कि कंपनी के टोटल टाइप्स कितने। ओके, होल्डिंग कंपनी को कौन से सेक्शन में बताया है फ्रेंड्स? सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के अंदर। फिर आता सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी को कौन सा सेक्शन बताया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के अंदर। कौन सा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के अंदर सब्सिडियरी कंपनी को बताया। और फिर आता एसोसिएट कंपनी। ओके फ्रेंड्स, एसोसिएट कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के ऊपर कौन सा? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ऐसी कौन सी कंपनी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है? तो इसमें दो टाइप की है मैंने, गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को किसमें, कौन से सेक्शन में बताया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंदर किसमें बताया है? गवर्नमेंट कंपनी को और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल में गवर्नमेंट कंपनी होती है और कौन सी होती है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इसके अलावा कौन कौन सी कंपनी है जो कंपनी लॉ के अंदर डिफाइन की गई है। तो हम बाकी सारी कंपनीज को हम अदर कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ अदर कंपनीज। ओके फ्रेंड, अदर कंपनीज में हम लेते हैं बैंकिंग कंपनी। ओके फ्रेंड्स, अदर कंपनीज में हम लेते हैं बैंकिंग कंपनी। अब बैंकिंग कंपनी को कहां कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन किया? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर। ओके, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर बैंकिंग कंपनी को डिफाइन किया। लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर कौन से सेक्शन में? सेक्शन 5C के अंदर डिफाइन किया है किसको? बैंकिंग कंपनी को। फिर हम देखते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को कहां डिफाइन किया फ्रेंड्स? कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर।
फॉरेन कंपनियों का किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर। फिर आता है स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी को का किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के अंदर, कहां किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। फिर आप देखते हैं हम सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को हम बोलते हैं लाइसेंस कंपनी भी बोल सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी भी बोल सकते हैं, ओके। फिर हम देखते हैं डोरमेंट कंपनी, अब डोरमेंट कंपनी को कहां डिफाइन किया फ्रेंड्स सेक्शन 455 के अंदर, 455 के अंदर किसको डोरमेंट कंपनी को डिफाइन किया है। फिर आता है इनएक्टिव कंपनी, अब इनएक्टिव कंपनी को कहां दिया है एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 45, जो डोरमेंट कंपनी का सेक्शन है ना 445 उसके अंदर एक्सप्लेनेशन 1 है वहां इसको डिफाइन किया किसको इनएक्टिव कंपनी को। फिर आता प्रोड्यूसर कंपनी, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, ओके। फिर आता इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी हम आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं और आगे हम देखेंगे इसका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन, ओके फ्रेंड्स। फिर आता स्टेचुअरी कंपनी, तो हमने ये अदर कंपनीज में देखी है, बैंकिंग कंपनी देखा है, ऐसे इन्वेस्टमेंट कंपनी देखा है, स्टेचुअरी कंपनी देखा है, इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, तो ये सारा क्या है टाइप्स ऑफ कंपनी है, ओके फ्रेंड्स। तो अलग अलग बेसिस पे हमने कंपनीज के अलग अलग टाइप को बताया है सेक्शन में। अब नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, उसमें मैं जो हमने बेसिस देखे हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कंपनीज होती क्या है, कैसे बनती है, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो प्लीज कनेक्ट रहिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।